राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में बयान देंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर चुन चुन कर प्रहार किया था। देखना यह होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो क्या बोलने वाले हैं राज्यसभा में, सुनिए। बुधवार को लोकसभा में प्रहार, आज होगा राज्यसभा में प्रहार। विपक्ष के ऊपर तंज पर तंज, इकोसिस्टम पर प्रहार। कुछ ऐसा था लोकसभा में बैठे सांसदों के लिए बुधवार। कुछ अलग अंदाज में थे पीएम मोदी। कभी शेरो शायरी का दौर चला तो कभी कहानियों से कांग्रेस पर निशाना साधा। ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। काका हाथरसे ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले बयान की भी याद दिलाई और एक स्टडी का भी जिक्र किया। कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है, कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी हुई है। और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है, स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। पीएम मोदी के लपेटे में विपक्ष भी आया, साथ ही विपक्षी दलों के एक मंच पर आने का राज भी बताया। और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे, मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। आज राज्यसभा की बारी है। दोपहर को 2 बजे कांग्रेस समेत विपक्षी दल फिर पीएम के निशाने पर होंगे। माना जा रहा है कि आज भी पीएम मोदी जी भर के बोलेंगे, विपक्ष को चुन चुन कर जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।